इस क्वेश्चन को आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है? तो LHS को आप RHS लेके करिए या RHS को LHS लेके सिंप्लीफाई करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको दोनों ही साइड इक्वेट करनी होती है फाइनली। तो हमने क्या कर लिया, RHS कंसीडर कर लिया, से RHS। RHS क्या है आपका, cos इनवर्स ऑफ 4x³ - 3x है। तो ये जो एल्जेब्रिक आपके पास एक्सप्रेशन है, करस्पॉन्डिंग आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज स्ट्राइक करनी चाहिए, ठीक है, या कोरिलेट होना चाहिए। तो देखिए, ये जो आपके पास 4cos³θ - 3cos θ, ठीक है, ये होता क्या है, cos³θ होता है। तो ये आपको आइडेंटिटी इस जगह पे स्ट्राइक करनी चाहिए। खैर, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है स्ट्राइक करना, आपके पास एक लिस्ट होता है cos³θ, sin³θ, tan³θ, ठीक है, tan²θ, cos²θ, ये सारी लिस्ट आप एक जगह रख लिया करिए। शुरू में आप जब प्रैक्टिस कर रहे होगे, क्वेश्चन लगाओगे, तब तो आपको देख देख के स्ट्राइक करना चाहिए, लेकिन आफ्टर दैट बाद में आपको खुद ब खुद वो रियलाइज़ होगा कि हमें क्या प्लेस करना है, लेकिन शुरू में आपको थोड़ा ये चीज़ देख के करनी पड़ेगी। खैर, तो हमने साफ साफ दिख रहा है कि हम यहाँ पे जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये किस ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से हम इसको रिप्लेस करें। तो हमने कह दिया लेट एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, कॉस ऑफ थीटा हो गया। इसका मतलब थीटा क्या हो गया, यहाँ से कॉस इधर आएगा, तो इट बिकम कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, मतलब जो थीटा हो गया आपका कॉस इनवर्स एक्स हो गया, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन में ये जो दिया गया है आपके पास, ठीक है, कि एक्स माइनस एक्स 1/2 से 1/2 लाई करता है। अच्छा, एक्स अगर 1/2 से 1/2 लाई करता है तो कॉस इनवर्स आप जानते होंगे, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है, तो ये आपका कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है, ठीक। और कॉस इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ लाई करता है आपका, पाई से जीरो या जीरो से पाई इसका रेंज होता है, और जो डोमेन होता है इसका वो -1 से 1 होता है, ठीक। तो आपका देखिए, आप जो एक्स है 1/2 से 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने ड्रॉ क्या किया है, यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है से यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे एक्स है और हम इसको रिफ़र कर रहे हैं, ठीक। तो आपका एक्स 1/2 है, तो 1/2 कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, से दैट इज़ 1/2, जस्ट बीच में होगा, दैट इज़ 1/2। और 1/2 के करस्पॉन्डिंग जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, कॉस कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, 60 डिग्री की, तो 60 डिग्री को आप क्या लिखोगे, रेडियन में π/3, ठीक है। तो और लास्ट 1 है आपका, तो थीटा क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग 0 हो जाएगा। तो ये आपका जो वैल्यू है, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है आपकी, ये थीटा हो गई, कहाँ से कहाँ, 0 से π/3। तो अगर x लाई करता है 1/2 से, x अगर 1/2 से क्या है, 1 है, तो ये क्या इम्प्लाई करता है, जो थीटा होगा ये आपका 1/2 करस्पॉन्डिंग मतलब π/3 आ गया, π/3 से 0 से π/3 होगा, ठीक है। ये आपका x दिया गया है, बाद में आप इसको, इसका हम यूज़ देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। खैर, यहाँ पे जब हम क्या रख देंगे, x की जगह पे क्या रखना है हमें, cos थीटा रखना है, तो दैट कम्स आउट टू बी cos इनवर्स 4cos³θ - 3cos θ, और ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, cos³θ का फॉर्मूला, तो cos इनवर्स ऑफ cos³θ। अब यहाँ के बाद ये डिसीजन मेकिंग स्टेप है, क्या इसे थीटा आप लिख 3θ लिख सकते हैं, है ना, तो इसी के लिए ये रिस्ट्रिक्शन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये पता है कि ये 3θ तब लिखा जाएगा जब ये 3θ कॉस इनवर्स के रेंज में होगा, मतलब 3θ 0 से π लाई करेगा। अब ये चीज़ कैसे सोचेंगे हम, चूँकि थीटा 0 से π/3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 × 0 < 3θ < 3 × π/3, 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपका, 0
थ्री थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो एंड लेस देन इक्वल्स टू पाई। तो देख रहे हैं ना कि जो थ्री थीटा है वो जीरो से पाई लाई कर रहा है, इसलिए हम इसको ये लिख सकते हैं। अगर आप कॉम्पिटिशन अप्रोच कर रहे हैं तब ये सारी चीज़ें हमने सिर्फ डिस्कस किया, सिर्फ और सिर्फ डिस्कस किया इस चीज़ को समझाने के लिए। और आप अगर कंपटीशन का अप्रोच कर रहे हो, कंपटीशन के बारे में सोच रहे हो, तो ये चीज़ सोचना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपके लिए कोई मतलब नहीं है। आप सिंपली क्या करोगे, एक्स को आप सूटेबल सब्स्टिट्यूशन सोचोगे, यहाँ सोच लिया जैसे एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा, उसके बाद आप यहाँ पे प्लेस कर दोगे कॉस थीटा, फिर आपकी ये एक्सप्रेशन आ जाएगी, इसके बाद आप कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थ्री थीटा लिखोगे और डायरेक्टली आप इसको थ्री थीटा लिख दोगे। बोर्ड के लिए कोई भी अनदर न ग्राफ न इस एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थ्री थीटा, और थीटा आपका क्या है, यहाँ से थीटा आपका था कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, तो यहाँ पे लिख दोगे आप थ्री कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हो गई। बोर्ड के लिए आप इन चीज़ों को मेंशन नहीं करोगे, जो ये चीज़ लिखी थी हमने ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए हमने बताई थी, आप नॉलेज आपका नॉलेज ग्रो हो सके, आप सोचना स्टार्ट कर सको फॉर कॉम्पिटिशन पर्पज़ ओनली, ये सिर्फ बोर्ड के लिए होगा आपका।